मैम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 2024-2025 एकेडमिक ईयर के लिए मोंटेसेरी से लेकर 10th तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन और ये स्कूल कंस्ट्रक्टेड है 30,000 स्क्वायर फीट पर। आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, ड्राइंग हॉल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब जैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही सीसीटीवी सर्वेलेंस है जिसके जरिए आपके बच्चों की डेली एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है और दीनी तालीम भी दी जाती है ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर और भी बेहतर बन सके और साथ ही आपके बच्चों की फिजिकल हेल्थ को नजर में रखते हुए बिग प्ले ग्राउंड है जहां पर आपके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती है। तो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए आज ही इनरोल कराइए मैम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, मैम टाउनशिप, मालगत्ती रोड, गुलबर्गा। एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए कॉल करें 7829848658792570641 7349221988। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। MAM इंटरनेशनल स्कूल जो मालगत्ती रोड पर वाक़े है, यहाँ पर मेरा एक लड़का है जो 8th स्टैंडर्ड से हम 9th स्टैंडर्ड पास होकर एडमिशन लिए हैं और एक लड़की है छोटी जो 1st स्टैंडर्ड पास होकर 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन लिए हैं। मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा इत्मीनान हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों का न सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन बल्कि दूसरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं और साइंस एग्जीबिशंस और इसके अलावा यहाँ पर यहाँ के मैनेजमेंट ने जो जो भी वादे किए थे, कुरान की तालीमात हैं और हिफ्ज़े कुरान चल रहा है और माशाल्लाह मेरे फर्जंद ने दो पारे हिफ्ज भी किए हैं और इस साल तरावी में उन्होंने कुरान की भी तिलावत की है और बहुत ही बेहतरीन, साथ ही साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर फैकल्टीज़, टीचिंग फैकल्टीज़ बहुत ही एक्सपर्टाइज हैं और माहौल तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो तकरीबन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 3 से 4 एकड़ के कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, गेम्स के फैसिलिटीज़ हैं और गेम्स के लिए ग्राउंड्स हैं और बिल्डिंग भी माशाल्लाह कोई भी देखे तो बहुत ही इत्मीनान बख्श है यहाँ की हर चीज़। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को और उनके फ्यूचर के लिए MAM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मालगत्ती रोड में ज़रूर ब ज़रूर एडमिशन दिलाएं और अपने बच्चों के फ्यूचर को और उनके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलफ अतीक रहमान, माय 2 kids आर स्टडिंग इन दिस न्यू MAM इंटरनेशनल स्कूल। 1st इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, 2nd वन इन 5th स्टैंडर्ड। यहाँ के स्कूल का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ का स्कूल का एनवायरनमेंट, फैकल्टी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड और स्कूल में आपको एकेडमिक के साथ साथ दीनियात की भी स्टडीज़ का ये सिलेबस ऐड किया गया है जिसकी वजह से बच्चों के लिए हिफ्स और कुरान और हदीस के ताल्लुक से जो भी मामला ये चीज़ है स्टडीज़ पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा भी लड़का हिफ्स का कोर्स कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम पारेज कंप्लीट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट से, स्टाफ के, टीचिंग के स्टाफ से बहुत ही मुतमईन हूँ
दे विल टेक केयर ऑफ ईच स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक पर्पज एज वेल एज फॉर इन टीचिंग सिलेबस। तो मैं यही सब पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूँ कि आप न्यू एमएम इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों के लिए एडमिशन का दाखिला दिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एमएम इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग ली गई है, जिसमें आने वाले दिनों में बच्चों के ताल्लुक से जो जो चीज़ ज़रूरत है उस ताल्लुक से इत्तला दी गई है। और मैं जो यहाँ पे आज मौजूद हूँ, मेरे ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर यानी कि पोतरा पोत्री और मेरे भतीजी यहाँ पे पढ़ते हैं LKG से लेके, आज ये फर्स्ट पास हो गए हैं, अब सेकंड स्टैंडर्ड में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक पढ़ाई की सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और ख़ास करके यहाँ पे एडमिशन दिलाने की वजह ये है कि जैसे कि हर जगह स्कूल्स तो हैं, पढ़ाई भी अच्छी खासी है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। यूजुअली क्या होता है कि स्कूल जब बनता है तो स्कूल के कुछ नाम्स होते हैं, जैसे कि क्लासरूम ए साइज़ टू ए साइज़ होना, खेलने के लिए ग्राउंड्स होना। तो उस लिहाज से MM इंटरनेशनल पूरा वो फुलफिल करके उन्हें परमिशन लेके, ऑलरेडी अब 10th तक उनका परमिशन है, जिस तरह का से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पीछे सेकेंड ईयर तक कंटिन्यूशन में रहेगा। होता ही हुआ है कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, कहीं 7th तक रहता है, 7th के बाद 8th से 10th तक कहीं रहता है, फिर 10th से PUC के लिए और एक जगह जाना पड़ता है। तो मेरी सोच ये थी कि अगर मैं कहीं भी अपने बच्चों को डालूँ तो कम से कम PUC तक करके निकले। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में PUC से आगे भी जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो चालू करेंगे। खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है वो PUC तक होने वाला है। ऑलरेडी 9th तक क्लास चल रहे हैं उनके, इंशाल्लाह 10th भी हो जाएगा, 10th तक परमिशन है, PUC भी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, पढ़ाई तो सब जगह होती है। जैसा कि मसलन मेरी अगर बात करें तो मैं एक फ्लैट्स में रहता हूँ, जबकि बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं है। तो बच्चे स्कूल बोले तो आज के तारीख में वो खुशी खुशी स्कूल आते हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, हम खेलने के लिए स्कूल को जाना पसंद नहीं करते थे। आज बच्चों को खेलने के लिए आज स्कूल वो पहले पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए अच्छी जगह है, वो कहने का मतलब। तो क्यों, सिटीज़ में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ तंगी है जगह की, पढ़ाई भी देखना है हमको, स्पोर्ट्स भी देखना है, उनकी एक्टिविटीज़ भी देखना है, उनकी हेल्थ भी देखना, हर चीज़ देखना है। वो आगे चलकर 8th, 9th, 10th के बाद जो बच्चों का जो जिसमें दिलचस्पी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो अपने तौर पे कर सकते हैं। लिहाजा शुरुआत में बच्चों को जो होना चाहिए मेंटली, वो चीज़ के लिए मैं समझता हूँ MM इंटरनेशनल एक ख़ास करके वो सब ध्यान रखा गया है, ख़ास करके जो नाम्स के हिसाब से ये स्कूल बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ये था कि हमने जो नवी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर फीट की कंप्लीट की है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नवी कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और सेपरेट ड्राइंग हॉल्स और पूरा प्लेग्राउंड का पूरा तकरीबन पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्लाह के फजल से। तो यही इंफॉर्मेशन देने के लिए पेरेंट्स के लिए, जो कि हमने जैसा कि वादा किया था, दीन और दुनिया का हमारे वालिद साहब का एक ड्रीम था कि दीन और दुनिया पूरी अच्छे से अच्छा सिखाना है, तो हमने शुरू किया था। हम तो खैर 40 साल से इस एजुकेशन फील्ड में हैं, स्कूल से लेके पूरा डेंटल कॉलेज तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से कर रहे हैं। तो अब ये एक नवा कॉन्सेप्ट लेके चले थे हम लोग, कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी दीन और दुनिया की स्टडी देंगे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करके 14 साल है, 2 साल तो खैर कोरोना में गए, हमारा टोटल परमिशन 10th तक का परमिशन है, ये साल 9th का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर बेसिस पे ऐसे के ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, रेगुलर टीचर्स के लिए भी हम लोग रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या है, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है, वो है एक अलग कॉन्सेप्ट से, ड्राइंग हॉल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई पे नहीं, और एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज़ का मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, खाली बच्चा आया पढ़ा गया नहीं, एक्टिविटी बेस्ड जो है कि आजकल NEP तो ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, बोले सर का है, आगे उसका क्या क्या होता
देखते जाएंगे, एज प्रोग्रेस होते रहेगा उसका तो चलते रहेगा। परल एक्टिविटी बेस का जो कॉन्सेप्ट है हम तो NEP से पहले ही 4 साल पहले शुरू कर चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, चल रहा है। तो उससे क्या होता, बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ खाली स्टडीज़ के तरफ नहीं, एक्स्ट्रा उसकी मेन जो अपना जो कॉन्सेप्ट है NEP का कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NEP का प्रोग्राम है ये, तो वो हिसाब से आगे चल के बच्चा जैसे अब तो 5th, 8th और 9th का बोर्ड भी चालू हो चुका है, वही हिसाब से चल रहा है। तो बच्चे के आपको 9th पास करने के बाद भी डिग्री मिलेंगी, 8th पास के बाद डिग्री मिलेंगी, एक सर्टिफाइड कोर्सेस के सर का भी रहेगा आगे चल के फ्यूचर में, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो वो भी, अटल लैब का भी हमारा इंशाल्लाह ये साल शुरू करने का है। तो बेसिकली पेरेंट्स से गुजारिश है मेरी कि आप लोग आइए, हमारा स्कूल को विज़िट करिए, हमारा परफॉर्मेंस देखिए, फिर अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर से आप बनाना चाह रहे तो आप ज़रूर आइए हमारे पास, एडमिशन लीजिए। बस इतना ही नहीं, जज़ाकअल्लाह खैर।